हेलो एवरी वन वेलकम बैक टूडे वी विल लर्न अबाउट इरीगेशन इरीगेशन मीन्स द वॉटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर इरीगेशन का अभिप्राय कुछ समय के अंतरकाल के बाद नियमित रूप से जब हम फसलों को सिंचाई पानी मुहैया करवा सकें ताकि फसल सही प्रकार से तैयार हो और फसल उत्पादन में वृद्धि हो Irrigation means supply of water to the plants, which comes from various sources. That could be from well, from pond, lake, river, tubules, etc. Variable, traditional, and modern method of irrigations, we will discuss today in this topic. इस प्रकार से हम अलग अलग स्रोत संसाधन से फसलों को पानी नियमित रूप से उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि फसलों की का उत्पादन अधिक हो सके और पौधे सही प्रकार से तैयार हो सकें फसल उत्पादन सही प्रकार से हो सके इंपॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन क्या महत्वता है सिंचाई के सिंचाई के क्या महत्व हैं अब हम वो जानेंगे सो इरिगेशन इनेबल्स ग्रोथ एंड फोटोसिंथिस इन द प्लांट इट प्रोवाइड द मॉइस्चर दैट इज इज क्रूशियल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प इन सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग मॉइस्चर टू द सॉइल इट इंक्रीज द ईल्ड फ्रॉम द फार्म सिंचाई पौधों की वृद्धि के साथ साथ प्रकाश संशेलन की प्रक्रिया को सही प्रकार से होने के लिए भी मददगार है करवाने के लिए मददगार है इसके साथ ही सिंचाई मिट्टी को मिट्टी में नमी उपलब्ध कराती है जो कि पौधों की जर्मिनेशन के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है साथ में ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है और उत्पादन अधिक होने के आसार रहते हैं टुडे वी विल डिस्कस ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। ऐसे सिंचाई के तरीके जो हम पुराने समय में इस्तेमाल करते थे पुराने समय में इस तरीके का इस्तेमाल करके पौधों की सिंचाई की जाती थी फसलों की सिंचाई की जाती थी फर्स्ट मेथड इज मोट मोट इरिगेशन सिस्टम मोट इज आल्सो कॉल्ड पुली सिस्टम विच इन्वॉल्व पुली which uplift the water from the well or other such sources to irrigate land this method of irrigation is time consuming labor intensive process but it is very cost effective and one advantage of such type of process is that it avoid wastage of water मोट सिंचाई की प्रक्रिया को हम चेन पुली प्रक्रिया भी कहते हैं जो कि ज़्यादा समय लेती है पर इस तरीके की सिंचाई का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे पानी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है next method of irrigation is chain pump chain pump method of irrigation consists of two large wheels which are connected to chain there are buckets attached to the chain further one part of the chain dips into the water source and the wheel lift the bucket

बकेट्स के साथ जुड़ी होती है एक चेन के द्वारा दो बाल्टियों को जोड़ा जाता है जिसमें एक पहिया लगा होता है चेन का एक सिरा जो बाल्टी से जुड़ा है वो कुएं में या कुएं जैसे पानी के संसाधन में नीचे की तरफ उसका झुकाव होता है और जैसे ही पहिया घूमता है वो पानी नीचे से लिफ्ट करके बाहर की तरफ लेकर आती है इस प्रकार से कुएं से पानी इस चेन पंप के द्वारा निकाला जाता है और सिंचाई प्रदान की जाती है नेक्स्ट वन मेथड इज डेकली डेकली मेथड इन्वॉल्व ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल और सच सिमिलर सोर्सेज

पोल पे जो बाल्टी रस्सी के साथ बांधी होती है वो पानी को लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लाती है और जो हैवी मटेरियल या कोई भी भारी वस्तु पोल के दूसरे तरफ है वो पानी को लिफ्ट करने में मदद करती है लास्ट मेथड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज राहत राहत मेथड ऑफ इरिगेशन यूजेस एनिमल लेबर अबव द वर्ल्ड वी टाई ए लार्ज व्हील एंड ऑक्स और काओ वुड टर्न द व्हील टू ड्रॉ द वॉटर इस प्रक्रिया में एक पहिए की मदद से पानी निकाला जाता है जिसमें दो जिसमें जानवरों का प्रयोग किया जाता है पहिए को घुमाने के लिए इस प्रकार से इन सभी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन का प्रयोग करते हुए सिंचाई की जाती थी मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन वी विल डिस्कस लेटर